अतीक अहमद न मसीहा था न किसी का हमदर्द, उसकी अपनी दुनिया थी जुर्म की, ठीक वैसी ही दुनिया जैसी किसी भी जरायम पेशा डॉन की होती है। सियासत में पैठ थी, नेताओं से उल्फत थी, जुर्म का कारोबार था, खौफ और दहशत का दूसरा नाम। कत्ल, गुंडागर्दी, उगाही, गैर कानूनी कारोबार और जमीनों पर कब्जा और उसकी खरीदो फरोख्त। अतीक ना तो पहला मुजरिम था और ना ही उसके बाद जुर्म का खात्मा। अंजाम वही हुआ जो होना था, सरेआम कत्ल। खानदान नीस्तनाबूद, बेपनाह, दौलत किसी काम की नहीं। हर जुर्म और मुजरिम का यही अंजाम होता है, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ का जिन हालात में कत्ल हुआ उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। सियासी लीडरान, सामाजिक कारकुनान और आम लोग पुलिस कस्टडी में हुए इस कत्ल पर सवाल उठा रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे दो दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों के साथ चल रहे अतीक अशरफ पर हमला हो गया। कोई इस कत्ल पर सवाल उठा रहा है तो कोई इसे एक साजिश बता रहा है। किसी ने इस कत्ल की फौरी जांच की मांग की तो कोई सुप्रीम कोर्ट तक गया, और ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर अदालतें किस लिए हैं, कानून किस लिए हैं, आईन का क्या काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।